पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तो अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। अयोध्या अगर उत्तर प्रदेश में है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमें किसी की इजाजत नहीं देनी है कि हम भगवान राम के दर्शन करने आएंगे। हमारे दिल्ली के जो जो बुज़ुर्ग अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे, उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा के लेके आएगी। और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। इनको बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, अब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। मुझे लगता है कि एक पहले आदमी है जिनको परेशानी है कि कोई राम से मिलने आ गए। अयोध्या अगर उत्तर प्रदेश में है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमें किसी की इजाजत नहीं देनी है कि हम भगवान राम के दर्शन करने आएंगे। उनकी बहुत ही छोटी सोच है। तो इतनी छोटी सोच के साथ कोई अगर आदमी अपने आप को योगी कहे तो मैं आपको कहूंगा भगवद गीता में आप पढ़िए योगी की क्या परिभाषा है। और मैं चुनौती देके कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की परिभाषा में 25% भी खरे नहीं उतरते।